रुपये में भी देख रहे हैं विरुद्ध डॉलर के, कहां तक चलेगा ये बाउंस? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से कि बाउंस रहेगा, बट अगर मे बी 650 के लेवल तक आता है देन मैं 16,500 का पुट ले सकता हूँ, जो कि रहेगा मे बी अराउंड 90 रुपीज तक, विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 70 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 140-150। अगर ये निफ्टी 650 तक आता है आई थिंक दैट्स अ गुड लेवल टू गो शॉर्ट अगेन। सो मैं वेट करूंगा बाउंस तब तक आ जाए, तो फिर मैं 16,500 या 16,600 का पुट हम ले सकते हैं फॉर दिस एक्सपायरी, बट 650 से मुझे नहीं लगता कि इतना आगे भी जाएगा करके। चलिए, तो आप पुल बैक पे फिर शॉर्ट करेंगे, याद रखिएगा जो 2 बजे का मैं आपको डेटा दे रहा था उसके मुताबिक। सबसे स्ट्रॉन्ग जो कॉल राइटिंग हुई है आज, देखिए एक सेलिंग आती है, सेलिंग के बाद इंस्टीट्यूशन किसी कॉल पे ग्रिप लेना शुरू करते हैं कि जनाब नहीं, पुल बैक आया भी तो ये लेवल नहीं कटेगा। आज इंट्राडे में प्लीज़ एनएससी के साइट पर जाइएगा, जाके देखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप जो दिन 2 वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल्स पर राइट हुआ है वो है 16,700 की और 600 की स्ट्राइक, यानी उसके मिड पॉइंट तक जब तक निफ्टी पुल बैक देखे आता है आपको एक अच्छा शॉर्ट का मौका मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आ रहे हैं, उसमें अगर आप देखें एचयूएल शामिल है, एचयूएल करीब करीब 2255 तक आ चुका है, डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेट्स ब्रिंग डाबर, एग्जैक्टली अगर आप देखें डाबर क्या कर रहा है, एक बार डाबर को भी देखना चाहेंगे। आज FMCG बास्केट में यकीन मानिए लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी नज़र आ रही है, अभी रिकवरी है, डेड कैट बाउंस है, इसे डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन ये 556 पर ये डे हाई की ट्रेजेक्ट्री, सॉरी डे हाई नहीं माफ़ कीजिएगा, अपने सेकेंड हाफ की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री पर आने की कोशिश करता हुआ। अच्छा, अब जरा एक बार और एक स्टॉक को लेके आइए जो कि आज एक मीनिंगफुल पुल बैक दे रहा है और वो है डॉक्टर लाल पैथलैब, 3403 पर आकर ट्रेड करता हुआ, और अभी पुल बैक ही है सिर्फ अगर आप देखें, याद रखिएगा। लेकिन BPCL ने आज एक मेजर ब्रेकडाउन दिया है, बात करते हैं BPCL की। राजेश सतपुते जी, जरा BPCL के चार्ट को देखिएगा, 361 डे लो पर और अभी भी डे लो पर जा रहा है, और ये एक टिपिकल राउंडिंग टॉप का ब्रेकडाउन है जो इसने दिसंबर 2020 से मेंटेन किया था, उसका प्राइस ब्रीच हुआ है। आप BPCL को ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रहे हैं अगले अगले कुछ मिनटों के लिए? वीरेन जी देखिए, अगर अगले कुछ यानी क्लोजिंग तक की बात है तो मुझे लगता है 350 का एक लेवल है, मुझे लगता है BPCL में आना चाहिए। वैसे अगर आप देखा जाए तो स्ट्रक्चर इसका थोड़ा वीक हो चुका है, 320-310 तक का फॉल मुझे वीकली चार्ट पे दिखता है। तो अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो 360 का कॉल ऑप्शन यानी ATM का सॉरी पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, 7.5 रुपए के आसपास ये मिल रहा है, 5 का स्टॉप लॉस होगा, आप एक कंजर्वेटिव 12-14 का टारगेट लेके काम कर सकते हैं प्रोबेबली फॉर द डे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक है, ब्रेकडाउन है इसमें। डाउन है, आप अगर आप देखें 360 के पुट लेकर ट्रेड करना चाहेंगे, 7.50 रुपए पर ट्रेड कर रही है। पुट ऑप्शंस पे गौर फरमाइए, आज हमने सुबह सुबह से अगर आप देखें कौन कौन से पुट पे बात की थी, हमने बात की थी बजाज फाइनेंस की पुट पे, उस पर आपका पैसा दोगुना हुआ, हमने बात की थी मारुति की पुट पे, उस पर अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला, हमने बात की थी आज DLF की पुट पे सुबह सुबह, उस पर कितना स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला, मेरे को याद है 375 के आसपास DLF हमने शॉर्ट की बात की थी, आज उस पर अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा शॉर्ट पे पैसा बना। तो जब कोई पुट लें या फिर कोई कॉल लें, इंट्राडे में 5-6% का स्विंग मिले या फिर 2-3% का स्विंग मिले, चुपचाप निकल के बाहर आ जाइए। ऑप्शन को पकड़ने का अगर आप देखें जो हम ओपनिंग और क्लोजिंग में लेते हैं, बस नज़रिया ये होता है कि आपको 1-2% का स्विंग मिले, वो हमें टारगेट से, स्टॉक के टारगेट से कोई मतलब नहीं है, हमें 1-2% का स्विंग मिल जाए दैट्स इनफ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। इस क्रम में अगर आप देखें तो आपका डॉक्टर लाल पैथलैब अब डी हाई पर आ रहा है, और कुछ स्टॉक्स लेके आइए जो कि थोड़ा सा लेवल्स को रीगेन कर रहे हैं। अतुल लिमिटेड आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो आज पुल बैक देखे 8504 के स्तर पर आकर ट्रेड करता हुआ, साथ ही साथ इस वक्त अगर आप कुछ और स्टॉक्स को देखें जो वीक पड़ रहे हैं, देखिए कोई सेक्टोरियल डेफिनेशन तो है नहीं बाजार में कि भाई ये सेक्टर अच्छा कर रहा है ये वीक कर रहा है। लेट्स ब्रिंग गेल BPCL के बाद, आशीष बहेती जी गेल को देखिए एक बार, इसने अपना 22 दिसंबर से लेकर अब तक का यानी लास्ट ईयर दिसंबर से लेकर अब तक का पूरा बेस वॉलेट कर दिया। कुछ देर पहले BPCL की बात हुई थी, जरा इस पर नजरिया पेश कीजिएगा, गेल को कैसे अप्रोच करेंगे आप? सेम स्ट्रक्चर है चार्ट वाइज, एक राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप का जो था उसका एक ब्रेकडाउन देख रहा है 200 डेमा के पास, 20 डेमा के पास जाकर जरूर आया, स्लाइड हुआ स्टॉक 4-7-8 दिन पहले, और एक मैसिव वीकनेस वहां से कंटिन्यूसली दिख रही है। तो पोजिशनली तो 115 तक के लेवल्स इसमें दिख रहे हैं यहाँ से फर्दर सेलिंग, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 100
129 का, और इस करंट पोजीशन पे सेलिंग की सलाह है इसमें।